हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ आफ्टर सो मेनी डेज मेरा अमेज़न शॉपिंग हॉल। अमेज़न पर 7 से 11 अप्रैल तक मेगा फैशन डे स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत सारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स में काफी सारा डिस्काउंट मिलने वाला है और ये काफी बड़े फैशन डेज होने वाले हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। तो मैंने कुछ चीजें मंगवा रखी है, थोड़े दिन पहले मंगवा ली थी, कुछ चीज मैं इसमें से यूज कर चुकी हूँ और कुछ चीजें एकदम फ्रेश अभी जस्ट आई है मेरे पास। तो मैंने सोचा दिस इज द राइट टाइम टू शेयर विद यू ऑल। सो यस, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट पर, जो कि मैं ऑलरेडी इसको यूज कर चुकी हूँ। तो आपको पता होगा अभी मैं थोड़े टाइम पहले, मतलब फेब्रुअरी में गई थी, एक्चुअली मैं 25 फेब्रुअरी को घूमने के लिए निकली थी कश्मीर तरफ और वैष्णो देवी। तो मुझे एक ऐसा बैग चाहिए था, मेरे पास पहले इस तरीके का बैग था, जब मैं सिंगापुर वगैरह घूमने जाती थी ना, तो मैं हमेशा जो बैग पैक होते हैं मैं उनको ही यूज करती थी, जो आप उसको बैग पैक की तरह भी यूज कर सको और साइड में भी उसको हैंग कर सको। मुझे पता था मैं जहां जा रही हूँ वहां मुझे चलना बहुत पड़ेगा, स्पेशली वैष्णो देवी के लिए। तो मैंने ये वाला बैग मंगवाया था फ्रॉम Amazon से ही, और दिस इज फ्रॉम दी ब्रांड बैगेट। मैं इसको यूज कर चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप इस तरीके से हैंग भी कर सकते हो एंड आप यहाँ पे इसको पीछे से अपने बैकपैक की तरह टांग भी सकते हो। सबसे अच्छी चीज इसमें ये थी कि मेरे जितने भी मोबाइल वगैरह थे ना, मैं उसमें ये पीछे वाली जो जिपर होती थी यहाँ पर सारी एसेंशियल चीजें रखती थी, तो मुझे कुछ अगर मैं पीछे टांग भी देती तो मुझे कुछ रिस्क नहीं लगता था कि कोई यहाँ से जिप खोल करके कुछ निकाल लेगा या ऐसा कुछ होगा। पर एक जिप है, बहुत बड़ा नहीं है बट छोटी मोटी चीजें रखने के लिए। बीच में एक और यहाँ पर जिप आती है और एक और अंदर एक प्रॉपर वाली जो आप कैश वगैरह रख सकते हो वैसी जिप आती है, बट मैं जितने भी एसेंशियल्स है वो अपने इस वाले जिप में ही रखती थी। सो दिस इज द फर्स्ट बैग। कमिंग टू माय सेकंड प्रोडक्ट, मुझे चाहिए थे स्लाइड ऑन्स बहुत टाइम से, बट मुझे ऐसे स्लाइड ऑन्स चाहिए थे क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत ज्यादा कर रही हूँ, भोपाल मुंबई समर्स भी आ चुके हैं, तो ठंड में तो ऐसा था कि मैं शूज पहन के ट्रैवल करती थी, बट मुझे स्लिप ऑन्स ऐसे चाहिए थे जो बहुत कंफर्टेबल भी हो और स्लिपरी बिल्कुल भी ना हो। जब मॉल वगैरह गई ना तो मैंने काफी ज्यादा स्लिप ऑन्स देखे थे एडिडास वगैरह में, बट क्या होता है मॉल में आपका जो कलेक्शन होता है वो बहुत छट चुका होता है, तो आपको नहीं मिलता है, जो पसंद आ रहा होता है तो उसमें कलर नहीं मिलता या साइज नहीं मिलता है। तो मैंने ऑनलाइन पूमा से एक स्लिप ऑन्स मंगवाया, मैंने सोचा नहीं पसंद आएंगे तो उसको मैं वापस रिटर्न कर दूंगी, बट टू माई सरप्राइज मुझे ऑफलाइन स्टोर से ज्यादा बेटर ना ऑनलाइन शॉपिंग कंफर्टेबल लगने लगी है, क्योंकि एक ही बारी में अच्छी चीजें भी आ जाती है। सो दिस इज द प्रोडक्ट विच आई गॉट एंड अमेजिंग क्वालिटी है। पीछे देखेंगे तो इसका जो ये है सोल है बहुत अच्छा है, रबर का सोल है, स्लिप नहीं होता है इजिली, एंड आगे भी आप देखेंगे ना तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है, वेरी वेरी कंफर्टेबल, एंड आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे लूज कर सकते हो, टाइट कर सकते हो, ये आई रियली लव देम, काफी स्टाइलिश एंड ट्रेंडी भी है। उसके बाद मुझे घर में पहनने के लिए भी स्लीपर्स ही चाहिए थे, समर बिल्कुल समर फ्रेंडली है, गोवा वाइब और उस तरीके की है, तो आप ले सकते हो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे इनका जो पीछे का सोल है वो इतना ज्यादा पसंद नहीं आया है, तो आई माइट रिटर्न देम बिकॉज मुझे ये थोड़े रिस्की भी लग रहा है, स्लिपरी मतलब ये पानी में स्लिप मार जाएंगे आराम से। दिखने में बहुत कूल एंड ट्रेंडी है, अगर आप लेना चाहते हो आपको ये मैटर नहीं करता है इस तरीके का तो आप ले सकते हो, बट मेरे लिए सोल बहुत मैटर करता है। तो दीज आर माई सेकेंड प्रोडक्ट, लिंक तो मैं फिर भी डाली दूंगी इसके, बहुत सस्ते एक्चुअल प्राइस जो है ना वो इसका है इट्स 999, बट आफ्टर डिस्काउंट मुझे 400 में मिले थे। नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट प्रोडक्ट, मैंने सारे समर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ही मंगवाए हैं बिकॉज समर्स आर ऑलरेडी हेयर। तो अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो बिल्कुल ऐसे काफ्तान स्टाइल का, आपने मेरा एक ड्रेस देखा होगा रेड कलर का काफ्तान फ्रॉक है, जो कि मैंने एक एग्जीबिशन से परचेस किया था और उसको मैंने काफी पहनाया लॉकडाउन में, तो मैंने उसको पूरा रगड़ डाला था घर पे पहन पहन करके। तो इस तरीके का वो क्या है, थोड़ा शॉर्ट है वो, नी से थोड़ा शॉर्ट है, तो मुझे थोड़ा सा लॉन्ग फैब्रिक बिल्कुल सेम है जिस क्रेप कॉटन के फैब्रिक का मेरा वो वाला काफ्तान था, उसी फैब्रिक का मैंने ये वाला मंगवाया है, तो फैब्रिक इज ऑलमोस्ट सेम, बट इसमें बस ये है कि ये जो काफ्तान है ये थोड़ा सा लॉन्ग है, तो आप इसको एज अ गाउन एज अ फ्रॉक की तरह घर पे पहन सकते हो। आई लाइक द कलर, ऑल्दो विक्की मुझे ऐसे इंसल्ट कर चुका है कि ये क्या लुंगी का कपड़ा लग रहा है, बट मुझे काफी अच्छा लगा टीन के घर में पहनने के लिए। इसके बाद इसी में का मैंने एक और मंगवाया है जो कि इस कलर में है, तो अगेन सेम, जब मैंने ये कलर भी दिखाया अपने घर पे तो यही बोला जा रहा था कि ये क्या है, चादर ऐसा लग रहा है, चादर को बस सिलाई लगा दी है दोनों साइड से और ये, तो बट मुझे काफी कंफर्टेबल लगा ये समर में पहनने के लिए, तो इट्स वेरी वेरी गुड, और मैं वैसे भी बहुत लूज कपड़े पहनना ही पसंद करती हूँ। नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस टू सूट्स जो मैंने बहुत ब्यूटीफुल कलर के मंगवाए हैं, कॉटन के सूट है, मतलब आपको देखते से मजा आ जाना है। दिस इज द कुर्ता,
फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द कलर, सच अ प्रिटी हैप्पी कलर. ये इसका कुर्ता है. उसके बाद मैं इसका बॉटम आपको दिखाती हूँ. ये देखिए कितना ब्यूटिफुल स्कर्ट है ये. ये इसका बॉटम है. ओके, दिस इज द बॉटम. और इसका जो दुपट्टा है वो ये है. तो एकदम प्यारा सा जो स्काई ब्लू कलर नहीं होता है, जो आंखों को एकदम ठंडक देता है, ये उस तरीके का कलर है. एंड बहुत सुंदर, मुझे तो बहुत ज्यादा सुंदर लगा ये. तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट. इसको मैं पहन के दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा. इसका इवन जो दुपट्टा है ना, दिस इज ऑल्सो ऑफ प्योर कॉटन. पूरा सूट प्योर कॉटन का है. मंगवाया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. बहुत ही प्यारा सा ऑरेंज कलर है. तो दिस इज अ ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर. एंड ये एकदम चटक और चुभने वाला ऑरेंज नहीं है, जो समर वाला ऑरेंज कलर होता है ना, दिस इज लाइक दैट. एंड लुक एट दिस, मतलब आप छोटी मोटी पूजा, गृह प्रवेश, किसी के घर पे कुछ फंक्शन है, दिवाली पे भी पहन सकते हो. इनफैक्ट यू कैन वेयर इट इन दिवाली, अच्छी इयररिंग्स वगैरह पहन कर. इट्स दैट ग्रेट. तो कॉटन का है अगेन. ये है इसका कुर्ता, ये इसका बॉटम है, एंड दिस इज द दुपट्टा. अगेन पूरा जो सूट है ना, ये प्योर कॉटन का है विद दुपट्टा. रसना वाला कलर नहीं होता है, ये उस तरीके का कलर है. एंड आई रियली लाइक दिस. अगेन बहुत ही सुंदर सूट है और बहुत कंफर्टेबल है पहनने पे भी. मतलब अभी तो ये वॉश भी नहीं हुआ है तो ये इतना सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है. और कॉटन तो वैसे भी जब जितना उसको वॉश करते हो वो और अच्छा होता जाता है. उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगवाया है वो मंगवाए हैं ये दो नेल पेंट्स. तो ये बेसिकली यूवी कलर्स हैं जो आप पार्लर में जाकर के लगवाते हो ना, और फिर वो बहुत दिन चलता है. मतलब 20-25 डेज आपके यूवी नेल पेंट चलते ही चलते हैं. तो ये वो है. नाउ लुक एट दीज कलर्स. मैंने ये कौन से कलर मंगवाया है, एक तो ये शाइनी वाला रेड है और एक ये गोल्डन है. इस तरीके के कलर्स में मैंने मंगवाया है. अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया लगा करके, बट इस ब्रांड के और भी जो नेल पेंट्स है वो मेरे पास है. एंड दे लास्ट रियली रियली लॉन्ग. सबसे पहले अपनी मम्मी पे एक्सपेरिमेंट करूंगी, खुद पे नहीं करूंगी. फिर उनके ऊपर कैसा लगेगा फिर मैं लगाऊंगी. तो जब मैं लगाऊंगी तो आपको किसी ना किसी ब्लॉग में दिखा दूंगी. मुझे ऑल दो नेल पेंट लगाना ही है. अभी मेरे नेल्स भी काफी अच्छे हो गए हैं बिकॉज ऑफ द डाइट और जो भी ब्रेक लिया है ना. तो माई नेल स्टार्टेड ग्रोइंग रियली वेल. माई हेयर फॉल ऑलमोस्ट स्टॉप. तो यू नो लॉट ऑफ गुड थिंग ऑल्सो हैपेंड. वो ब्रेक एक तरीके से अच्छा ब्रेक भी था. सो यह सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. भूलिएगा मत, 7th to 11th April मेगा फैशन डेज है, जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स पे आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलने वाला है. तो जम के शॉपिंग करिए, समर शॉपिंग करिए. हैप्पी समर शॉपिंग टू ऑल ऑफ यू. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.